गाइस वेलकम टू दी मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आपके अपने मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत है। हमारे ये तीन चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा और एडूला मित्रा। आप अगर हमारे मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स पर नए हैं तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखने वाला लाइक कर देना, शेयर कर देना। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये यूपीएससी के जो है 9 बेहतरीन क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम से कम 8-9 क्वेश्चन आते हैं फिगर बेस्ड, इसलिए हमें फिगर बेस्ड क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, खाली फिगर को आइडेंटिफाई करना होता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 14 है ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से। एग्जामिन दी फॉलोइंग फिगर, ये आपको एक फिगर दी हुई है जिसको आपने अच्छी तरह देख के आंखों में बसा लेना है, और उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज द एबो फिगर एम्बेडेड इन इट, ये फिगर जो है नीचे वाली फिगर में किस में एम्बेडेड है। अब इसकी शेप देखिए, ऐसे करके, निकुल्ली करके और ऐसे करके इस शेप को आप ढूंढिए। नीचे इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखना आप, यहाँ पर ये आपकी ये ऐसे आ गई और फिर ये नीचे की तरफ और फिर ये ऐसे होके उसके बाद ऐसे करोगे तो ये ऊपर की तरफ, ये जो है इसकी राइट ऑप्शन है सी, बिल्कुल सेम फिगर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से। कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है फिगर्स का और इसमें एक बॉक्स ब्लैंक है, ये आपका ब्लैंक है। इसमें बताना है कि क्या फिगर आई। पहले इन दो को हम एनालिसिस करते हैं, ये पहले दोनों अपवर्ड थे, उसके बाद एक अपवर्ड है, एक राइट को घूम गया, उसके बाद एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड घूम गया, यानी कि इसकी रोटेशन जो है ना इसकी क्लॉकवाइज है। और उसके बाद तीसरे को देखते हैं हम, ये डाउन था, अप गया और ये डाउन, फिर ये राइट को आ गया और ये डाउन, फिर ये बॉटम की तरफ, इसकी भी रोटेशन जो है ना क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ इस फिगर में भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ये अप है, ये डाउन आया, ये अप है, ये इधर गया और उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी ये फिगर आपकी बनेगी ऐसे। ये कहां पर है, बी में, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 18 है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है, आपके अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स विद वन एम्प्टी ब्लॉक इन द लोअर एक्सट्रीम कॉर्नर, यहाँ पे बताना है आपने कि क्या आएगा इस ब्लॉक। तो हम पहले इन दो को एग्जामिन कर लेते हैं। यहाँ पर ये चार सर्कल थे, दो ट्राइंगल थी, क्या हुआ उसके बाद तीन सर्कल रह गए और दो ट्राइंगल और एक गोला, यानी अब इन हम इसको पहले वाले दो को हम एग्जामिन करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक एरर था, यहाँ पे एक ट्राइंगल होनी चाहिए थी जो कि नहीं दी गई थी। आइए शुरू करते हैं। यहाँ क्या हुआ, चार गोले थे, दो ट्राइंगल थे, यहाँ पे तीन और एक रह गया, यानी एक ट्राइंगल एक गोला गायब। उसके बाद क्या हुआ, एक ट्राइंगल एक गोला गायब, ये दो गोले रह गए। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे तीन गोले थे और तीन ट्राइंगल थी, जिसमें से एक गोला एक ट्राइंगल गायब, दो गोले दो ट्राइंगल, उसके बाद एक गोला एक ट्राइंगल गायब, एक गोला एक ट्राइंगल, इसी पैटर्न पर, यानी एक सर्कल और एक ट्राइंगल कटती जा रही। तो हम यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, एक सर्कल और एक ट्राइंगल हमने काट दी और ये देखो एक सर्कल एक ट्राइंगल गए, उसके बाद हमने एक सर्कल एक ट्राइंगल काट दी, तो यहाँ पर दो ये ट्राइंगल आएंगे जो कि ऑप्शन ए में दी, ए इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है हमारा, विद रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स फ्रॉम एस, ये एस एक पॉइंट दिया हुआ है, इससे आपने रूट बताने हैं विदाउट रिट्रेसिंग फ्रॉम यू एंड और वी इज, यानी यू और वी से जो ना ए की रूट से दो बार नहीं जाना है, रिट्रेसिंग नहीं करनी है, तो कितने मैक्सिमम रूट बन सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फिगर का। यहाँ देखो आपके पास ऑप्शन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तीन जगह से जा सकता है, तो आपकी ऑप्शन होगी तीन। उसके बाद ये तीन ऑप्शन थी, तीन ऑप्शन में एक बार यहाँ से जा सकता है और एक बार यहाँ से जा सकता है, यानी ये आपकी यहाँ पर दो बन गई। अब यहाँ आपके 3 × 6 = 3 × 2 जो है 6 हो गए, और यहाँ पर फिर एक इधर से जा सकता है, एक इधर से और एक इधर से, यानी मल्टीप्लाई बाई 3 और हो गया। तो यह आपके पास 18 डिफरेंट रूट्स हैं, जहाँ से एस से लेके और यहाँ तक इसे
लास्ट पॉइंट तक मान लो ओ है ये, इस तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए राइट ऑप्शन है डी 18 रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये जो है हमारे तीन चैनल एडुटेक्नोमित्रा, ये एडुटेक्नोमित्रा, एडुलामित्रा और एमजे मित्रा एंटरटेनमेंट का चैनल है, ये ला का चैनल है, ये बाकी कंपटीशन एग्जाम का चैनल, इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर हमारे चैनल पर नए हो, और प्रेस बेल फॉर ऑल नोटिफिकेशन, लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट्स डाल देना, आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्रुपों में शेयर कर देना, दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना, बहुत ही अच्छी कोचिंग दी जाती है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो तो पहले 1 से 2 मिनट तक वीडियो जरूर देख लेना, ताकि वो स्पैम में ना जाए यूट्यूब के एल्गोरिथम। आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 प्रीवियस ईयर एग्जाम से। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, इन फिगरों को हमने देखना बड़े ध्यान से। चेंज इन पोजिशन ऑफ द बीड्स इन द फिगर्स अबव फॉलोज ए सिक्वेंस, फॉलोज द सेम सिक्वेंस विच ऑफ द फिगर लुक शुड अपियर एज द फिफ्थ फिगर एबो। यानी जो बीड्स हैं, मोती कह लो हिंदी में, मोती कहते हैं इनको, ये अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, ये रेक्टेंगल सेम रहेगी, खाली ये पोजीशन बदलेंगे, तो उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर क्या आना चाहिए। पहली वाली फिगर में इसको और इसको कंपैरिजन करते हैं, ये क्या हुआ, इधर से बॉटम वाला है जो, ये गया टॉप में और टॉप वाला आया बॉटम में, यानी बॉटम वाला गया टॉप में और ये आया बॉटम में, तो ये आपकी 2 नंबर फिगर बन गई है, ये 2 नंबर फिगर इस सीक्वेंस से आई है। इसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हुआ है कि ये जो यहाँ था ये इधर गया लेफ्ट को और ये लेफ्ट वाला आ गया राइट को, यानी यहाँ पर चेंजिंग हुई है, ऐसे ऐसे चेंजिंग होके ये फिगर बनी है, ठीक है, ऐसे ही नीचे वाला बना, तो ये तीसरी फिगर आ गई हमारी। चौथी में फिर क्या हुआ है हमारी फिगर में कि ये पोजीशन जो है फिर ये ऐसे होगी, यानी टॉप वाला आया बॉटम में, बॉटम वाला आया टॉप में, ये सीक्वेंस फिर ऐसे बन गई, इस तरह बनी। तो अब हमारी क्या सीक्वेंस होगी, हमारी सीक्वेंस होगी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसको फॉलो करते हुए, और ये आ रही है हमारी ऑप्शन बी में, बी इज द राइट आंसर, यानी जो ये वाला है ये तो इधर आ जाएगा और ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर, इसलिए बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2015 की एग्जामिनेशन से हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था ये एग्जाम में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। कंसीडर द फिगर गिवन बिलो, नीचे दिए गए आंकड़ों पर विचार करें, 2 फीट द क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा इस सीक्वेंस को देखते हुए, विच फिगर इज रिक्वायर्ड। आइए पहले एनालिसिस करते हैं हो क्या रहा है इस। ये देखो जो ये पोजीशन है ना इनकी, जो आपके ये पाइप लगा लो कुछ भी लगा लो, इनकी पोजीशन सेम है, एक टॉप में है और एक उसके परपेंडिकुलर नीचे बॉटम में। आइए इनको देखते हैं, ये क्या हुआ है, ये इधर था राइट को आ गया लेफ्ट को, यानी इसने रोटेशन ली है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चलती रही, ये इधर गया तो ये आ गया नीचे और ये चला गया ऊपर, ये रोटेशन ऐसे चली। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ, फिर भी ये रोटेशन ऐसे ही चली है, ऐसे ऐसे आया नीचे और इसके साथ जो एक ट्रायंगल है ना, ये और अपनी पोजीशन बदल रही है, ये यहाँ टॉप की तरफ थी, ये आई राइट की तरफ, यानी ये ट्रायंगल घूमी क्लॉकवाइज और ये रोटेट भी हो रही है, यानी ये पहले इसका वर्टेक्स अपवर्ड था, इसका वर्टेक्स अप डाउन वर्ड हो गया। अब ऐसे ही चलते हुए हम ये घूम के कहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया और ऐसे ही ये उधर गया, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज गए हुए हैं, और ट्रायंगल अब क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूम रही है, ट्रायंगल क्लॉकवाइज घूमते हुए बॉटम में आ गई और जो पहले वर्टेक्स अप था अप हो गया। अब आगे क्या होएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये यहाँ से घूम के ये जाएगा इधर और ये ऊपर वाला आएगा डाउन और ये वाला जाएगा इधर, और ट्रायंगल क्लॉकवाइज घूम रही तो अगले में आ जाएगी और इसका वर्टेक्स टॉप था तो वर्टेक्स से डाउन हो गया, यानी ट्रायंगल क्लॉकवाइज घूम रही है। अब इसमें क्या आएगा, अब इसमें फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और ये हो गया ऐसे, और ये डाउनवर्ड आ जाएगा ब्लैक वाला और ये व्हाइट वाला इधर हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल यहाँ थी तो ये टॉप में चली जाएगी, टॉप में जाके ये सीधी हो जाएगी। अब इसकी जो राइट ऑप्शन है ये आ गई, ब्लैक वाला नीचे, ये जो कलर भरा हुआ है, तो ब्लैक वाला नीचे हो गया, ये व्हाइट वाला हो गया और ये ट्रायंगल वाला हो गया, और ट्रायंगल अप में गई और टैक्स आप हो गया, इसकी राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा सेशन चल रहा है और सारे क्वेश्चन आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपका डाउट दूर करेंगे। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो देखने वाला लाइक कर देना। अब कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब इसमें देखते हैं तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, इसका रिलेशन देखते हैं, इस 6 के फैक्टर क्या है, 3 × 6, यानी इससे 1 कम लेके उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम यहाँ ऐसे ही करें तो इससे 1 कम लिया तो ये 8 × 7 हुआ ना, ठीक है बिल्कुल, ये 10 का 9 हो गया तो 10 × 9 हुआ ये, और यहाँ पर 1 कम होएगा तो 1 हो जाएगा,
तो ये 2 × 1 हुआ। तो यहाँ इस तरह जो 20 आया है, 20 के हम फैक्टर करें तो 5 × 4 है। अब ऊपर वाले से एक कम करके मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा 5। आगे देखो यहाँ भी ऐसे ही है, इसमें एक कम कर दिया 0 हो गया। अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया। यानी ये बिल्कुल सिक्वेंस से ही फॉलो हो रही है, इसलिए यहाँ की राइट ऑप्शन है 5, जो कि ए में दी हुई है। 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मिसिंग नंबर एक्स ऑफ द सीरीज 7x 21 31 43। ये जो है एक आपको सीक्वेंस दी हुई है, इसमें से कह रहे हैं यहाँ एक्स की जगह क्या आएगा। इनको हम घटा के देख लेते हैं, 43 में से 31 घटाया तो 12 आया, और 31 में से 21 घटाया तो 10 आया, यानी ये 2 लेस हो गया, तो अगला इससे 2 लेस होगा तो 8 आएगा डिफरेंस से। अब 21 में से अगर हम 8 घटा देते हैं तो क्या आता है 13। हम यहाँ 13 रख देते हैं, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है तो यहाँ 6 का डिफरेंस है, 30 में 7 का तो 6 का डिफरेंस आ गया, इसलिए इसका राइट आंसर है 13, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ, सी इज द राइट आंसर। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, और इसको समझते हैं। अब ये भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, 4 कार्डबोर्ड पीसेज ऑफ स्पेसिफिक शेप्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये कार्डबोर्ड के पीस काट रखे हैं और आगे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पीसेज, ये आई है ठीक है, पीसेज टुगेदर, अगर इसको हम जोड़े तो कौन सी फिगर बनने की संभावना है ये बता। ये तो नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये ट्रेपेजियम टाइप आ गया। इसको देखते हैं, अगर हम इसके ऊपर ये दो रेक्टेंगल ब्लॉक है उसको ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख देते हैं हम, तो ये फिगर बन गई। अब आपके पास एक ट्राइंगल रहेगी, अब एक ट्राइंगल को आप यहाँ लगा दो और एक दूसरी ट्राइंगल ये उल्टी लगेगी और उस ट्राइंगल को आप इधर लगा दो, तो क्या ये शेप बन रही है। हाँ बन रही है बिल्कुल, तो इसकी राइट ऑप्शन है डी, इससे ये मैच हो गया हमारा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनकी थोड़ी बस प्रैक्टिस कर ली जाए तो ये आसानी से हो जाते हैं, कोई फार्मूला याद नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपका डाउट दूर करेंगे। और हमारे ये 3 चैनल है, एडू टेक्नोमित्रा जिस पर कंपटीशन एग्जाम की क्लासेस दी जाती है ला को छोड़ के, और ये हमारा एडूला मित्रा है इस पर ला की क्लासेस दी जाती है, और ये एमजे मित्रा हमारा एंटरटेनमेंट का चैनल है और किड्स मैथ वगैरह पढ़ाते रहते हैं छोटे बच्चों के लिए। वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।